हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड कैलकुलेशन के चैनल में। मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट तूफान पॉल। आज आप लोगों को बताऊंगा क्लास 8 का टॉपिक अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों, आप लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानने से पहले इसका बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल आया कहाँ से है, ये जो क्वाड्रिलेटरल नाम है किसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, कौन सा शेप है जिसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, वो हम लोग जानेंगे इसी टॉपिक में, ठीक है। तो इसका बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इस जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को जानने से पहले इसका जो पहला बेसिक है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, ताकि आप लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान सको और आने वाले जितने सारे शेप हैं उसके बारे में भी आप लोग जान सको, ठीक है। तो देखो, क्वाड्रिलेटरल हम लोग बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं, क्लास 7 में जब थे तब भी हम लोग सुनते आ रहे थे, बट इसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो देखो, मैं बेसिक से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये जो आपका टॉपिक है पूरा बेसिक से, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रिलेटरल में सबसे बेसिक जो आप लोगों को पढ़ना है उसका जो सब टॉपिक है मैं लिख दिया हूँ इसमें से। तो देखो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो इस टॉपिक में आप लोगों का जो सब टॉपिक है इसमें से है आपका सबसे पहले कर्व्स के बारे में पढ़ना, कि कर्व्स क्या होते हैं। तो देखो, कर्व्स में सबसे बारे में क्या पढ़ना है कि कर्व्स क्या होते हैं, और आप लोगों को यहाँ पे जानना है कि ओपन कर्व क्या है, क्लोज कर्व क्या है, सिंपल कर्व क्या है, फिर ठीक है। ये जो कर्व के बारे में जान जाओगे, उसके बाद आप लोग किसके बारे में जानोगे, पॉलीगन्स। पॉलीगन्स किसको बोलते हैं, पॉलीगन्स कौन सा ऐसा कर्व्स है जिसको हम लोग पॉलीगन्स बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग जान पाएंगे, पहले कर्व्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो पाएगा, तभी जा करके हम लोग पॉलीगन्स के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो पॉलीगन्स के बारे में जान पाओगे, तब उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स के बारे में जानेंगे, कि पॉलीगन्स को हम लोग साइड के बेसिस पे कितने क्लासिफाई करते हैं, फिर हम लोग शेप के हिसाब से कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है जो हम लोग पॉलीगन्स के बारे में जानेंगे, तब उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद उसी पॉलीगन से रिलेटेड आपका है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, इसमें जानना है कि कोई भी एंगल है, कोई भी आपका पॉलीगन्स है, उसका सम ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, हम लोग जानेंगे इसी सम ऑफ एंगल्स के बारे में। देखो, सबसे मेन टॉपिक है आप लोगों का कर्व्स। कर्व्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओगे, तभी जा करके आप लोग पॉलीगन्स को समझ सकते हो, ठीक है। देखो, ये जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल का मेन बेस होता है कर्व्स, ठीक है। इस कर्व्स को अच्छे से क्लियर करो, तभी जाकर के आप लोग पॉलीगन्स जान पाओगे। पॉलीगन्स को अच्छे से क्लियर हो पाएगा, तभी जाकर के आप लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान पाओगे, ठीक है। हर एक सब टॉपिक एक दूसरे के साथ रिलेट करके है, तभी जाकर के हम लोग आप लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान सकते हो। अब देखो, एंगल सम प्रॉपर्टी जान पाओगे, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखो, एक दूसरे के साथ तो रिलेट है, तो रिलेट करते हुए हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, क्वाड्रिलेटरल तक पहुँचेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे कि क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल आते हैं, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से लास्ट में जानेंगे। पहले इसका बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सब टॉपिक है कर्व्स के बारे में। कर्व क्या होता है, ए फिगर फॉर्म ऑन ए प्लेन सर्फेस बाई ज्वाइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल इज कॉल्ड कर्व। ये जो लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है बताओ तो। इसमें लिखा हुआ है ए फिगर फॉर्म्ड ऑन ए प्लेन सर्फेस बाई ज्वाइनिंग ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल इज कॉल्ड ए कर्व। ये जो लैंग्वेज है, किताबी लैंग्वेज को पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है। मैं देखो बहुत ईजी करके मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल को बिना लिफ्ट किए हुए, मतलब एक बार रख दिए इस बोर्ड में, इसको बिना लिफ्ट किए जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या बन जा रहा है, आपका कर्व ही तो है। ये आपका क्या है, कर्व है। ये जो पेंसिल है, पेंसिल को बिना लिफ्ट किए जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका क्या है, कर्व है। जैसे कि हमने एक सर्किल ड्रॉ करना है, पेंसिल को बिना लिफ्ट किए हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, तीन एंगल होगा, एक साइड है, एक साइड है और एक साइड है, ये भी आपका कर्व है, ठीक है। ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल को बिना लिफ्ट किए हुए जो भी हम लोग ड्रॉ करते हैं वही होता है आपका कर्व, ठीक है। पेंसिल को रख दी इस बोर्ड में, हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर दें, मान लो ये जो बिना मर्जी से हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ये भी आपका क्या है, कर्व है। उसी तरह से क्या बोला है लैंग्वेज में, आपका जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है, जैसे मान लो एक दो तीन तीन चार पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को मिलाने के लिए बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हुए, पेंसिल को बिना उठाए जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो आपका क्या है, इस पॉइंट को मिला करके हम लोग इसे ड्रॉ कर दिए, ये क्या बन गया, एक कर्व ही तो बन गया, ठीक है। इस लैंग्वेज में वही लिखा गया था
कि नंबर ऑफ पॉइंट्स को जो विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल जो पॉइंट्स है उसको बिना लिफ्ट किए पेंसिल को बिना लिफ्ट किए जो पॉइंट को मिलाते हैं ये क्या बन जाता है, कर्व ही बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग ओपन कर्व देखो। ओपन कर्व क्या होता है, कर्व का एक पार्ट है ओपन कर्व। ए कर्व व्हिच डज नॉट ईट एट द सेम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ए ओपन कर्व। ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ यदि इन नहीं होता है वो आपको ओपन कर्व होता है। जैसे कि आप लोग ये जो ट्राइंगल ड्रॉ किए हैं, ये ट्राइंगल क्या है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए थे, फिर यहाँ गए थे, इस स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ है वही एंडिंग पॉइंट है, ये ओपन कर्व है क्या, नहीं है, ये आपका क्लोज कर्व है। जैसे हम एक कर्व ड्रॉ करें, ये कर्व है, ये कर्व बताओ ये ओपन कर्व है क्या, यस ओपन कर्व है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इसका अलग है और एंडिंग पॉइंट भी इसका अलग है। ऐसा कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कर्व। जैसे जिस जहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी कर्व को ड्रॉ करने के, मान लो पेंसिल यहाँ रखे, यहाँ से हम कर्व को ड्रॉ करने में स्टार्ट किए और वहाँ जाकर ख़त्म नहीं किए, यहाँ ख़त्म कर दिए, तो ये क्या बन गया आपका, ओपन कर्व बन गया। ठीक है, यदि जहाँ से स्टार्ट किए हैं वहाँ ख़त्म करते तो आपका क्या बनता, वो क्लोज कर्व होता। बट जहाँ से स्टार्ट किए हैं कहीं अलग जा करके ख़त्म कर रहे हैं तो आपका कौन सा कर्व है, वो ओपन कर्व। वही बोला गया है, ए कर्व व्हिच डज नॉट एंड एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व। ठीक है, इस लैंग्वेज में भी वही बोला गया है। तो आई होप ओपन कर्व के बारे में भी समझ में आ गया। अभी हम लोग समझते हैं क्लोज है, क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होता है, ए कर्व व्हिच स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड ए क्लोज कर्व। ऐसा कर्व जो स्टार्ट जहां से हुआ है एंडिंग भी वही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व। कर्व क्या होता है, कर्व वही होता है पेंसिल को बिना लिफ्ट किए जो भी ड्रॉ करते हैं होता है कर्व। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसा कर्व ड्रॉ कर रहे हैं जहां से स्टार्ट हुआ है वहां आकर खत्म कर दी तो क्या बन गया, वो क्लोज कर्व बन गया। इसी तरह सर्किल को ड्रॉ किए जहां से स्टार्ट किए वहां के खत्म कर दिए तो क्या बन गया, वो क्लोज कर्व है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट जहां होगा एंडिंग पॉइंट भी वहीं होता है तो होता है आपका क्या, क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व क्या होता था, स्टार्टिंग पॉइंट जहां होता था एंडिंग पॉइंट वहां नहीं होता था वो कर्व का, तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, ओपन कर्व बोलते थे। ये जो कर्व है ये सब क्या है, क्लोज कर्व है। उसी तरह एक ट्राइंगल जैसे ड्रॉ किए ये आपका क्या है, क्लोज कर्व है। उसी तरह से हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका क्या है, क्लोज कर्व का एग्जाम्पल है। अब बताओ तो ये क्लोज कर्व क्या है, क्या ये क्लोज कर्व नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है बट एंडिंग पॉइंट यहाँ अलग है। यदि स्टार्ट जहाँ से हुआ है, यदि एंडिंग यहाँ होता तो हम लोग बोलते यहाँ ला करके ख़त्म कर देते तो उसको हम क्या बोलते, क्लोज कर्व बोलते, बट ये क्लोज कर्व नहीं है। उसी तरह से हम लोग ये बताओ ये क्लोज कर्व है, यस ये क्लोज कर्व है। ठीक है, क्लोज कर्व समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। अब देखो सबसे पहले सिंपल वर्ड लग गया, क्लोज कर्व से पहले क्या लग गया आपका, सिंपल वर्ड लग गया है। सिंपल क्या होता है, वैसा कर्व जो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं किया है। ठीक है, क्लोज हो बट इंटरसेक्ट नहीं हो। जैसे कि हम लोग ऐसा कर्व ड्रॉ करें, ये कर्व तो क्लोज है बट ये क्या सिंपल है, ये सिंपल नहीं है, क्योंकि देखो एक दूसरे पे इंटरसेक्ट हुआ है ना, ये जो आपका लाइन है ये लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट हो गया है, ये सिंपल है, ये सिंपल नहीं है। ठीक है, वैसा क्लोज कर्व जो आपका कोई भी कर्व एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट ना करे बट वो क्लोज्ड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। जैसे ये सब क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है। जैसे एग्जांपल हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है। एक सर्किल ड्रॉ किया, ये भी एक सिंपल क्लोज कर्व है। ये आपका सिंपल है क्या, ये सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे ये हुआ है ना, एक दूसरे इंटरसेक्ट किया है। उसी तरह से एक सिंपल क्लोज कर्व है, उसी तरह से बताओ तो ये सिंपल क्लोज कर्व है क्या, ये सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ये जो है एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, ये सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल नहीं है, ये सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल नहीं है, बट ये क्या है, सिंपल क्लोज कर्व है। ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी आपका सिंपल क्लोज कर्व है। उसी तरह से हम लोग बहुत सारा ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो है आपका सिंपल क्लोज कर्व है। ठीक है, ये सिंपल क्लोज कर्व है क्या, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। ठीक है, कर्व है बट वो सिंपल नहीं है। ठीक है, ये कर्व है बट ये सिंपल नहीं है, तो क्लोज कर्व बोल सकते हैं। समझ में आ रहा,
लोग क्लासिफाई करो कि कौन सा ओपन कर्व है, कौन सा क्लोज कर्व है, कौन सा सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले ये वाला बताओ, ये कौन सा कर्व है? ये आपका क्लोज कर्व है ना, कौन सा कर्व है? ये क्लोज कर्व है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हुआ एंडिंग पॉइंट भी वहीं हो रहा है, ठीक है, ये आपका क्लोज कर्व है। और सिंपल कर्व है यानी ये सिंपल क्लोज कर्व है, ठीक है, ये आपका क्या है? सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है। अब ये बताओ, ये जो कर्व ये क्या है? क्लोज कर्व है क्या? ये भी आपका ओपन कर्व है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट अलग है बट एंडिंग पॉइंट भी उसका अलग है, ओपन कर्व, ठीक है। देखो ओपन कर्व में भी ये सिंपल है क्या? यस सिंपल है, सिंपल कर्व है, ठीक है, सिंपल ओपन कर्व भी बोल सकते हैं। अब बताओ ये जो कर्व है ये क्लोज है या ओपन है? ओपन है ना, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट अलग है और एंडिंग पॉइंट अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका ओपन कर्व है, ठीक है। और ये सिंपल है क्या? देखो ये कहीं पे एक दूसरे पे इंटरसेक्ट किया है, नहीं किया है, तो इसको हम लोग सिंपल बोल सकते हैं, सिंपल ओपन कर्व, ठीक है। अब ये बताओ ये जो कर्व है ये क्लोज है या ओपन कर्व है? ये क्लोज कर्व है, ये आपका ये क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हो, ये आपका क्लोज कर्व है, ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है? ये आपका सिंपल कर्व है, देखो क्लासिफाई करने देगा, ठीक है, बोलेगा कि कौन सा कर्व है, सिंपल क्लोज्ड है या सिंपल ओपन है, बताने बोल सकता है, ठीक है। ये देखो ये कौन सा कर्व बताओ? ये आपका ओपन कर्व है, ये आपका ओपन कर्व, और साथ में सिंपल भी है, ठीक है, सिंपल ओपन कर्व भी बोल सकते हैं इसको। ये कौन सा कर्व है? ये भी आपका ओपन कर्व है। ये आपका कौन सा कर्व? ओपन है या क्लोज है? क्लोज कर्व है ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपके जहाँ है एंडिंग पॉइंट भी वही है, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग क्लोज कर्व बोलेंगे, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये सिंपल है या सिंपल नहीं है? सिंपल क्लोज कर्व बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोलेंगे? सिंपल क्लोज कर्व। अब बताओ ये सिंपल कर्व है या कॉम्प्लेक्स कर्व है? सिंपल कर्व नहीं है बट ये क्लोज है क्या? यस क्लोज है, ये आपका क्लोज कर्व है, क्लोज्ड कर्व, ठीक है, बट ये क्या है? सिंपल नहीं है, नॉट सिंपल। ये बताओ सिंपल कर्व है क्या? नहीं है, सिंपल कर्व नहीं है, बट ये क्या है? क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। अब बताओ ये क्लोज है क्या? ये भी आपका क्लोज कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। तो देखो क्लोज कर्व समझ में आ गया कि कौन सा क्लोज कर्व है, कौन सा ओपन कर्व है, आप लोग क्लासिफिकेशन कर सकते हो, साथ में कौन सा आपका सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल कर्व नहीं है, वो भी आप लोग देख के बता सकते हो। हम अभी बताए हैं कि कहीं पे एक दूसरे पे इंटरसेक्ट, कोई भी कर्व एक दूसरे पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर जा रहा है तो आपका क्या है? वो सिंपल नहीं है। यदि एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करता है वैसे कर्व आपका क्या है? सिंपल होते हैं। और क्लोज क्या है? कि जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं यदि एंडिंग होता है तो उसका आपको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोज कर्व बोलेंगे। ओपन कर्व क्या है? जहां स्टार्ट हुआ है वहां यदि एंडिंग नहीं होता है उसका आपको बनाने समय, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओपन कर्व बोलेंगे, ठीक है। आई होप कर्व को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे? पॉलीगन्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे। देखो